Welcome. Good morning, all of you. आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, स्केलेटल सिस्टम। और स्केलेटल सिस्टम में अपन क्या पढ़ रहे हैं, एक्सियल स्केलेटल के अंदर अपन आज फेस के बारे में डिस्कस करेंगे। फेस के अंदर कौन सी बोन होती हैं उनके बारे में क्या है अपन आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फेस से पहले अपन ने जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसके अंदर अपन ने जो अपना स्कल था, स्कल के अंदर टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, स्फेनॉइड बोन, इथमोइड बोन, इनके बारे में क्या अपन ने डिस्कस किया था। तो एक बार नया टॉपिक जो अपना फेस है, फेस की जो बोन है उनको स्टार्ट करने से पहले एक बार अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था, प्रीवियस लेक्चर, उसके बारे में क्या है डिस्कस कर लेते हैं। एम्बुलेंस क्या है? बोन, टेम्पोरल बोन में क्या है, दीज बोन लाइज ऑन ईच साइड ऑफ द हेड एंड फॉर्म इमूवेबल जॉइंट विद द पैराइटल, ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड एंड जाइगोमेटिक बोन। जो टेम्पोरल बोन है वह कहाँ पे होती है, दीज बोन लाइज ऑन ईच साइड ऑफ द हेड, यानी कितनी होती है, ये दो होती हैं और अपना जो हेड है ठीक है उसके प्रत्येक साइड के अंदर क्या है ये रहती हैं। एंड फॉर्म इमूवेबल जॉइंट, और कौन सा जॉइंट होता है इनका, इमूवेबल जॉइंट होता है, विद द पैराइटल, ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड एंड जाइगोमेटिक बोन। ईच टेम्पोरल बोन हैज सेवरल इंपॉर्टेंट फीचर, प्रत्येक जो टेम्पोरल बोन है वो क्या है अपने सेवरल इंपॉर्टेंट फीचर्स रखती है। द स्क्यूमस पार्ट इज थिन फैन शेप, जो इसका स्क्यूमस पार्ट है वो कैसा होता है, थिन शेप, थिन होता है, फैन शेप होता है, एंड पार्ट दैट आर्टिकुलेट विद द पैराइटल बोन, और वो किसके साथ आर्टिकुलेट रहता है, पैराइटल बोन के साथ क्या है आर्टिकुलेट रहता है। द जाइगोमेटिक प्रोसेस आर्टिकुलेट विद द जाइगोमेटिक बोन, जो अपना जाइगोमेटिक प्रोसेस है वो किसके साथ आर्टिकुलेट रहता है, आर्टिकुलेट विद द जाइगोमेटिक बोन टू फॉर्म द जाइगोमेटिक आर्च, किसके द्वारा, जाइगोमेटिक आर्च के द्वारा क्या है वो आर्टिकुलेट रहता है जाइगोमेटिक बोन के साथ। द मैस्टोइड पार्ट कंटेन द मैस्टोइड प्रोसेस, जो अपना मैस्टोइड पार्ट है वो क्या बनाता है, कंटेन द मैस्टोइड प्रोसेस ए थिक्ड रीजन बिहाइंड द ईयर, इट कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल एयर साइनस विच कम्युनिकेट विद द मिडिल एयर एंड आर लाइन विद द स्क्यूमस एपिथेलियम, द पैराइटिस पोर्शन फॉर्म पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द स्कल एंड कंटेन द ऑर्गन ऑफ हियरिंग, क्या काम है इसका, हियरिंग का, द स्पाइनल ऑर्गन, कौन सा किस टाइप का ऑर्गन होता है, स्पाइरल ऑर्गन टाइप का होता है, एंड बैलेंस, और क्या करता है, बैलेंस बना के रखता है। द टेम्पोरल बोन आर्टिकुलेट विद द मैंडिबल, जो टेम्पोरल बोन है वो किसके साथ आर्टिकुलेट रहती है, आर्टिकुलेट विद द मैंडिबल एट द टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट, किसके साथ, टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट के साथ, द ओनली मूवेबल जॉइंट ऑफ द स्कल, इमीडिएटली बिहाइंड दिस आर्टिकुलेटिंग सरफेस इज द एक्सटर्नल ऑडिटरी मिटाज, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं, विच पास इनवर्ड टूवर्ड टू द पैराइटल पोर्शन ऑफ द बोन। ये डायग्राम जो है, डायग्राम किस चीज का दिखाया गया है, राइट टेम्पोरल बोन है, और राइट टेम्पोरल बोन का क्या दिखाया गया है, लेटरल व्यू दिखाया गया है। ये क्या, इसमें एक्सटर्नल ऑडिटरी मिटास दिखाया गया है, ये स्क्यूमस पार्ट दिखाया गया है, ये इसका एंटीरियर एस्पेक्ट है, जाइगोमेटिक प्रोसेस है, साइट ऑफ टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट जो है वो दिखाया गया है, स्टेरॉइड प्रोसेस दिखाया गया है, और मैस्टोइड प्रोसेस दिखाया गया है, और मैस्टोइड पार्ट दिखाया गया है इस डायग्राम में।
नेक्स्ट क्या है इसमें, ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन में क्या होता है, दिस बोन फॉर्म द बैक ऑफ द हेड एंड पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द स्कल। ये बोन क्या करती है, दिस बोन फॉर्म द बैक ऑफ द हेड एंड पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द स्कल। इट हैज इमूवेबल जॉइंट विद द पैराइटल टेम्पोरल एंड स्फेनॉइड बोन। इट इनर सरफेस इज डीपली कॉनकेव एंड द कनेक्टिविटी इज ऑक्यूपाई बाय द ऑक्सीपिटल लोब ऑफ द सेरिबेलम एंड बाय द सेरिब्रम। इट इनर सरफेस इज डीपली, इसकी जो इनर सरफेस है वो क्या होती है, डीपली होती है, इसका शेप कॉनकेव होता है एंड द कनेक्टिविटी इज ऑक्यूपाई विद द ऑक्सीपिटल लोब। किसके साथ कनेक्टिविटी किसके साथ रहती है इसकी, ऑक्सीपिटल लोब के साथ। ऑक्सीपिटल लोब किसका होता है, सेरिब्रम, और किसके द्वारा होती है, एंड बाय द सेरिबेलम। सेरिबेलम के द्वारा क्या है, होता है। द ऑक्सीपुट हैज टू आर्टिकुलर कॉन्डाइल दैट फॉर्म हिंज जॉइंट विद द फर्स्ट बोन ऑफ द वर्टिबल कॉलम द एटलस। फर्स्ट बोन कौन सी होती है, एटलस। बिटवीन द कॉन्डाइल देर इज द फोरामेन मीनिंग टारगेट होल थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेज इनटू द क्रेनियल कैविटी। नेक्स्ट जो डायग्राम है उसके अंदर क्या दिखाया गया अपने को, ऑक्सीपिटल बोन है वो दिखाई गई है इसके अंदर। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल दिखाई गई है, फोरामेन दिखाए गए हैं और कॉन्डाइल दिखाए गए हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है अपना, स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड बोन में क्या होता है, दिस बोन ऑक्यूपाई द मिडिल पोर्शन ऑफ द बेस ऑफ द स्कल एंड इट आर्टिकुलेट विद द ऑक्सीपिटल टेम्पोरल पैराइटल एंड फ्रंटल बोन। द स्फेनॉइड बोन है वो क्या होती है, ऑक्यूपाइड रहती है, कहाँ पे ऑक्यूपाइड, द मिडिल पोर्शन ऑफ द बेस ऑफ द स्कल एंड इट आर्टिकुलेट विद द ऑक्सीपिटल टेम्पोरल पैराइटल एंड फ्रंटल बोन। On the superior surface in the middle of the bone there is a little saddle shape depression the hypothecial fossa in which the pituitary gland rest. The body of the bone contain some fairly large air sinus lined by ciliated mucous membrane with opening into the नेजल कैविटी। तो स्फेनॉइड बोन में क्या होता है, दिस बोन ऑक्यूपाई द मिडिल पोर्शन ऑफ द बेस ऑफ द स्कल एंड इट आर्टिकुलेट विद द ऑक्सीपिटल टेम्पोरल पैराइटल एंड फ्रंटल बोन। ऑन द सुपीरियर सरफेस इन द मिडिल ऑफ द बोन देयर इज ए लिटिल सैडल शेप डिप्रेशन द हाइपोथीशियल फोसा इन विच द पिट्यूटरी ग्लैंड रेस्ट।
बॉडी ऑफ द बोन कंटेंट सम फेयरली लार्ज साइनस, इसके अंदर क्या है लार्ज साइनस प्रेजेंट होते हैं, लाइन बाई किसके द्वारा लाइन रहते हैं, लाइन बाई सीलेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन विथ ओपनिंग इन टू द नेजल कैविटी, और इनकी ओपनिंग कहाँ पे होती है, अपनी जो नेजल कैविटी है वहां पे क्या है इसकी ओपनिंग होती है। नेक्स्ट जो डायग्राम है उसके अंदर क्या है अपने को सिपनर्ड बोन जो है उसका दिखाई गई है, ठीक है, उसके साथ इसमें क्या क्या चीजें दिखाई गई अपने को, आर्टिकुलेशन दिखाया गया इसके अंदर फ्रंटल बोन का, इथमोइड बोन का, लेजर विंग दिखाई गई है, पैराइटल बोन का आर्टिकुलेशन दिखाया गया है, टेम्पोरल का दिखाया गया है, ऑक्सीपिटल का दिखाया गया है, ऑप्टिक फोरामेन प्रेजेंट है इसके अंदर, हाइपोथीशियल फोसा दिखाया गया है, फोरामेन दिखाया गया है और ग्रेटर विंग दिखाई गई है, तो ये क्या है इसके अंदर अपने को दिखाए गए हैं। नेक्स्ट अपनी है इथमोइड बोन, द इथमोइड बोन ऑक्यूपाई द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द स्कल एंड हेल्प टू फॉर्म द ऑर्बिटल कैविटी, द नेजल सेप्टम एंड द लेटरल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी, ऑन ईच साइड आर टू प्रोजेक्शन इनटू द नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के अंदर क्या है दो प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है, द अपर एंड मिडिल कॉन्क्लाइव और द ट्यूब्रेटेड प्रोसेस, इट इज ए वेरी बोन कंटेनिंग मेनी एयर साइनस लाइन विद द सीलेटेड एपिथिलियम एंड विद ओपनिंग इन टू द नेजल कैविटी। द हॉरिजॉन्टल प्लेटेड पार्ट द सेरेब्रोफोम प्लेट फॉर्म द रूफ ऑफ द नेजल कैविटी एंड हैज न्यूमेरियस स्मॉल फोरामिना थ्रू विच नर्व फाइबर ऑफ द ऑल्फैक्टरी नर्व साइनस ऑफ द स्मेल, ऑल्फैक्टरी नर्व क्या काम होता है सेंस ऑफ द स्मेल, पास अपवर्ड फ्रॉम द नेजल कैविटी टू द ब्रेन। तो जो अपनी इथमोइड बोन है वो क्या है, द इथमोइड बोन ऑक्यूपाई द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द स्कल एंड हेल्प टू फॉर्म द ऑर्बिटल कैविटी, द नेजल सेप्टम एंड द लेटरल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी, ऑन ईच साइड आर टू प्रोजेक्शन इन टू द नेजल कैविटी, द अपर एंड मिडिल कॉन्क्लाई एंड ट्यूब्रेटेड प्रोसेस, इट इज ए वेरी डाइजेस्टेड बोन कंटेनिंग मेनी एयर साइनस लाइन विद सिलेटेड एपिथिलियम, इसके अंदर क्या है बहुत सारे एयर साइनस प्रेजेंट होते हैं, जो किसके साथ लाइनिंग रहती है उनकी कनेक्टेड रहते हैं सिलेटेड एपिथिलियम के साथ कनेक्टेड रहते हैं एंड ओपनिंग भी इन टू द नेजल कैविटी, और इनकी ओपनिंग कहाँ पे होती है नेजल कैविटी में। द हॉरिजॉन्टल प्लेटेड पार्ट द सेरेब्रोफोम प्लेट फॉर्म द रूफ ऑफ द नेजल कैविटी, और ये क्या बनाती है रूफ ऑफ द नेजल कैविटी बनाती है, एंड न्यूमेरियस स्मॉल फोरामिना थ्रू विच नर्व फाइबर ऑफ द ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व का क्या काम रहता है सेंस ऑफ द स्मेल, स्मेल का सेंसेशन कराती है, पास अपवर्ड फ्रॉम द नेजल कैविटी टू द ब्रेन, और नेजल कैविटी से क्या है जो अपना सेंसेशन है उसको क्या है पास करती है कहां पे ब्रेन के पास। There is also a very fine perpendicular plate of the bone that form the upper part of the nasal part. There is also a fine perpendicular plate of the bone and form the upper part of the nasal septum. और ये क्या बनाती है nasal septum का जो upper part है वो बनाते हैं।
नेक्स्ट जो डायग्राम है उसके अंदर क्या है, राइट इथमोइड बोन दिखाई गई है और उसके साथ जो उसकी रिलेटेड स्ट्रक्चर है वो दिखाई गई है। तो इसके साथ कौन सी है, फ्रंटल बोन दिखाई गई है, इसके अंदर स्फिनोइड साइनस दिखाया गया है, नेजल बोन दिखाई गई है, सुपीरियर कॉन्क्लेव ऑफ द इथमोइड बोन दिखाई गई है, मैक्सिला दिखाई गई है, मिडिल कॉन्क्लेव दिखाई गया है और इंफीरियर कॉन्क्लेव दिखाया गया है। नेक्स्ट क्या दिखाया गया इसके अंदर, फेस। तो आज का अपना क्या टॉपिक है, फेस। फेस क्या है, द स्केलेटल ऑफ द फेस इज फॉर्म बाय 13 बोन इन एडिशन टू द फ्रंटल बोन। इसके अंदर कितनी होती है, 13 बोन होती है, किसको ऐड करके, फ्रंटल बोन को ऐड करके। इसके अंदर क्या है, दो जायगोमेटिक बोन होती है, एक मैक्सिला होती है, दो नेजल बोन होती है, दो लैक्रिमल होती है और एक वर्मर होती है। दो पैलेटाइन बोन होती हैं, दो इन्फीरियर कॉन्क्लेव होगी और एक आपकी क्या होगी, मैंडिबल। तो स्केलेटल जो के अंदर जो अपना फेस है वो एक्जियल के अंदर, उसके अंदर क्या है, दो जाइगोमेटिक बोन होती हैं, एक मैक्सिला होती है, दो नेजल बोन होती हैं, दो लैक्रिमल बोन होती हैं, एक वोमर होती है, दो पैलेटाइन होती हैं, दो इन्फीरियर कॉन्क्लेव होती है और एक मैंडिबल होती है। इसके अंदर क्या है, जो अपने बोन है, कौन सी फेस के अंदर की जो बोन है उनको क्या है, एंड उसका एंटीरियर व्यू दिखाया गया। तो फ्रंटल बोन दिखाई गई है, नेजल, पैराइटल, टेम्पोरल, स्फिनोइड, लैक्रिमल, जाइगोमेटिक, इथमोइड, वोमर, मैक्सिला, मैंडिबल, इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन, सुप्राऑर्बिटल फोरामेन और मेंटल फोरामेन। तीनों अपने क्या है, इसके अंदर फोरामेन दिखाई गई है, बाकी क्या है, इसके अंदर अपनी बोन दिखाई गई है। जायगोमेटिक और चिक बोन, जायगोमेटिक बोन को अपन क्या बोलते हैं, चिक बोन भी बोलते हैं। द जायगोमेटिक बोन फॉर्म द परफॉर्मेंस ऑफ द चिक एंड फॉर्म एंड पार्ट ऑफ द फ्लोर एंड लेटरल वॉल ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी। तो जो जायगोमेटिक है उसी को अपन क्या बोलते हैं, चिक बोन बोलते हैं, जो अपनी चिक की बोन होती है। द जायगोमेटिक बोन फॉर्म द परफॉर्मेंस ऑफ द चिक एंड पार्ट ऑफ द फ्लोर एंड लेटरल वॉल ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी। ये अपनी ऑर्बिटल कैविटी की क्या है, बोन होती है, जो अपनी चिक जो है उनकी क्या है, फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट अपनी मैक्सिला और अपर जॉ बोन।
जो अब क्या है मैक्जिला क्या करती है, जो अपना अपर जा है उसकी फॉर्मेशन करती है। दिस ओरिजिनेट एज टू बोन बट फ्यूजन टेक प्लेस बिफोर बर्थ। ये क्या है, दो बोन होती है किंतु फ्यूज हो जाती है बर्थ से पहले ही। द मैक्जिला फॉर्म द अपर जा, मैक्जिला क्या करती है अपर जा का निर्माण करती है। द एंटीरियर पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ, जो अपना एंटीरियर पार्ट है उसके रूफ जो है माउथ का उसका फॉर्मेशन होती है। द लेटरल वॉल ऑफ द नेजल केविटी, लेटरल वॉल है वो क्या करती है नेजल केविटी बनाती है। एंड पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ द ऑर्बिटल केविटी, और ये जो फ्लोर है किसकी ऑर्बिटल केविटी की क्या है फ्लोर होती है। द एल्वर रिज और प्रोसेस प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट डाउनवर्ड एंड कैरी द अपर टीथ। ऑन ईच साइड देर इज ए लार्ज एयर साइनस, द मैक्सिलरी साइनस लाइन विद सीलेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन एंड विद ओपनिंग इन टू द नेजल केविटी। तो जो मैक्जिला है वो क्या है अपनी जो अपर जा की बोन है उसी को क्या है मैक्जिला होती है वो। दिस ओरिजिनेटेड एट टू बोन बट फ्यूजन टेक प्लेस बिफोर बर्थ, ये क्या है दो बोन होती है किंतु बर्थ से पहले क्या है फ्यूज हो जाती है और एक बन जाती है। द मैक्जिला फॉर्म द अपर जा, द एंटीरियर पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ, द लेटरल वॉल ऑफ द नेजल केविटी एंड पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ द ऑर्बिटल केविटी। द एल्वर रिज और प्रोसेस प्रोजेक्शन डाउनवर्ड एंड कैरी द अपवर्ड टीथ। ऑन ईच साइड देर इज ए लार्ज एयर साइनस, प्रत्येक साइड में क्या है लार्ज एयर साइनस प्रेजेंट रहते हैं। द मैक्सिलरी साइनस लाइन विद द सीलेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन एंड विद ओपनिंग इन टू द नेजल केविटी, और इनकी ओपनिंग कहाँ पे होती है नेजल केविटी में, क्या है इनकी ओपनिंग होती है। नेक्स्ट अपनी नेजल बोन, देर आर टू स्मॉल फ्लेटेड बोन, ये क्या है दो स्मॉल फ्लेटेड बोन होती है विच फॉर्म द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लेटरल एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ द ब्रिज ऑफ द नोज। नेक्स्ट अपनी है लैक्रिमल बोन, दीज टू स्मॉल बोन आर पोस्टीरियर एंड लेटरल टू द नेजल बोन एंड फॉर्म पार्ट ऑफ द मेडिकल वॉल ऑफ द ऑर्बिटल केविटी। ईच इज प्रिसाइड बाय ए फोरामेन बाय द पासेज ऑफ द नेजोसैक्रिमल डक्ट, नेजोलैक्रिमल डक्ट विच कैरी द टीयर फ्रॉम द मेडिकल कंटेंट ऑफ द आई टू द नेजल कैविटी। नेक्स्ट अपनी है वर्मर, द वर्मर इज ए थिन फ्लेटेड बोन विच एक्सटेंड अपवर्ड फ्रॉम द मिडिल ऑफ द हार्ड पैलेट टू द फॉर्म द मेन पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम। तो वर्मर है वो क्या है थिन फ्लेट बोन होती है विच एक्सटेंड अपवर्ड फ्रॉम द मिडिल ऑफ द हार्ड पैलेट टू द फॉर्म द मेन पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम।
Superiorly, it is articulate with the perpendicular plate of the ethmoid bone. जब अपना लेग फ्रैक्चर होगा वो किसका होगा? पैलेटाइन बोन पे होगा. थैंक्स टू ऑल.